से सूरत निकलने से पहले क्यों दी जाती है, चलिए हम उसके बारे में थोड़ा जानते हैं। हालांकि जल्लाद किसी भी फांसी वाले को कान में जाकर क्या करता है, फांसी से पहले जेल प्रशासन उसकी आखिरी ख्वाहिश पूछता है। हालांकि कैदी की ख्वाहिश जेल के मैनुअल के तहत हो तभी पूरी की जाती है। फांसी देने से पहले जल्लाद कहता है कि मुझे माफ कर दिया जाए, हिंदू भाइयों को राम राम और मुसलमान भाइयों को सलाम, हम क्या कर सकते हैं, हम तो सिर्फ हुकुम के गुलाम हैं। फांसी देने के 10 मिनट तक अपराधी को लटके रहने दिया जाता है। इसके बाद डॉक्टर की एक टीम आती है और चेक करती है कि उसकी मौत हुई है या नहीं। मौत की पुष्टि हो जाने के बाद अपराधी को नीचे उतारा जाता है और फांसी देने का समय सुबह इसीलिए मुकरर किया जाता है क्योंकि जेल के नियम के तहत जेल के सभी कार्य सूर्य उदय के बाद किए जाते हैं और फांसी के कारण जेल के किसी भी कार्य प्रभावित न हो। इसीलिए एक वजह यह भी है कि फांसी के पहले और बाद में जेल अधिकारियों को बहुत सारी प्रक्रियाओं से गुजरना पड़ता है, जैसे मेडिकल टेस्ट, रजिस्ट्रेशन में एंट्री, उसके बाद शव को परिवार को सौंप दिया जाता है। आई होप ये जानकारी आपको